सपा नेता जस्टी हसन का एक बयान आया है कि सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि देश की अखंडता और एकता को लेकर हम लगातार लड़ते रहेंगे, इसमें चाहे हमारी जान भी चली जाए। लेकिन देश का दुर्भाग्य ये है कि आज सियासत धर्मों का नाम लेकर अपना सफर तय कर रही है। कैसे देख रहे हैं, क्या आपने 14 के पहले की भी स्थिति देश का देखा है? हमने 17 के पहले उत्तर प्रदेश आपने देखा है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। 17 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर ना लाइट थी, ना बिजली था, ना सड़क थी, ना रोड था, गुंडागर्दी सरेआम था। 5 बजे के बाद कोई परिवार का सदस्य घर के बाहर नहीं निकल सकता था और लाइट ऊपर से नहीं आती थी। बिजली का तार लोग पकड़ते थे तो करंट नहीं आता था, बिजली का बिल पकड़ते थे तो लोग करंट आता था। ये स्थिति थी 14 के पहले देश की हालत क्या थी? कहीं श्रीनगर में बम, कहीं ताज होटल में बम, कहीं राम मंदिर पर बम, कहीं मतलब सेना के ऊपर पत्थर। आज देश के अंदर एक शांति का माहौल है, विकास की गति है, गरीब कल्याण योजनाएं हैं जो आम गरीबों को, ऐसे करोड़ों गरीबों को जो अपने पास आवास नहीं था, आयुष्मान का 5 लाख का कार्ड नहीं था, नल का कनेक्शन नहीं था और बैंक का अकाउंट नहीं था, शौचालय नहीं था, बिजली का कनेक्शन नहीं था, गैस का कनेक्शन नहीं था, आज सभी को उपलब्ध है। जन औषधि केंद्र जहाँ 80% सब्सिडी है, जो 100 रुपए की दवा वह 10 रुपए में दवा मिलती है। और यही नहीं, आप एयर कनेक्टिविटी, ट्रेनों का जाल, वंदे मातरम, अच्छी अच्छी ट्रेनें, एयरपोर्ट जैसी ट्रेन, ट्रेन की स्टेशन, आप हरदोई से सीधे लखनऊ होते हुए आप जा सकते हैं अयोध्या, फोर लाइन की सड़कें, आप गोरखपुर से अयोध्या आ सकते हैं, आप काशी से अयोध्या आ सकते हैं, जब अयोध्या के अंदर घुसेंगे तभी फोर लाइन की सड़कें। आज उत्तर प्रदेश के अंदर पर्यटक किस लिए आ रहा है? क्योंकि कानून का राज है। आज खुशहाल राज चल रहा है और 14 के पहले 17 के पहले की स्थिति उत्तर प्रदेश आपसे छिपी नहीं हुई है, इसलिए आपने देखा। इसलिए जनता जनार्दन तय कर चुका है कि 2024 आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और जनता जनार्दन स्वयं चुनाव लड़े और कार्यकर्ताओं की परिश्रम की पराकाष्ठा, उनकी ईमानदारी, देश का हम लोग सरकार बनाएंगे और सरकार बनाकर गरीबों की सेवा करेंगे।